अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं अपने तमाम प्यारी प्यारी व्यूवर्स की रिक्वेस्ट लाई हूँ जिनको येलो ड्रेसेस पसंद है, और साथ साथ उनकी भी जिनकी फरमाइश थी कि हमारे यहाँ शादी है, ब्राइडर्स के लिए भी येलो ड्रेसेस दिखाएं और हमारे लिए भी कि हमने येलो ड्रेसेस बनानी है, किस किस टाइप के और किस तरह के डिज़ाइनर ड्रेसेस बना सकें, और जिन्हें येलो कलर के ड्रेसेस रूटीन में कैजुअल पसंद हो वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इसमें आपको तकरीबन 58 ड्रेसेस के आइडियाज मिलेंगे, और मैं चाहती हूँ मेरे व्यूवर्स हर टाइप के ड्रेसेस को देखें, इंजॉय करें, कौन सा ड्रेस उन पर सूट करता है, कौन सी डिजाइनिंग, स्पेशली ब्राइडल्स के लिए इसमें बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस के आइडियाज हैं। आप चाहें तो इनमें कलर कॉम्बिनेशन यानी कलर कंट्रास्ट भी कर सकती हैं, येलो के साथ कोई भी कलर आप जब कंट्रास्ट करेंगी वो वैसे ही खूबसूरत लगेगा। आप मुख्तलिफ वीडियोज में भी देखिएगा मेरे चैनल में, इसी टाइप की और भी बेशुमार वीडियोस हैं येलो ड्रेसेस के साथ, कलर कॉम्बिनेशन के साथ यानी कलर कंट्रास्ट के साथ, कि आप येलो के साथ कौन कौन से कलर कंट्रास्ट कर सकते हैं अपने लिए और ब्राइडर्स के लिए, उबटन मेहंदी के ड्रेसेस के लिए, क्योंकि वो येलो ड्रेसेस के साथ आप अपने लिए खूबसूरत दुपट्टे का इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं, उन पर किस टाइप की लेसेस लगा सकती हैं, कैसे कैरी कर सकती हैं, ये तमाम आइडियाज आप हमारे चैनल से जरूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा, और आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। जिन बच्चियों की शादी होने वाली है उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होती है, क्योंकि वो उन्होंने अपने प्यारी प्यारी येलो ड्रेसेस बनाने होते हैं और बड़ी एक्साइटेड होती हैं कि हमारा ड्रेस ऐसा हो, वैसा हो, उसमें ये भी लगा हुआ हो, उसमें इस टाइप का वर्क हो। तो ये जो वीडियोस होती हैं इनसे आपको आइडियाज मिल जाते हैं घर बैठे कि आपकी शख्सियत पर कौन सा ड्रेस अच्छा लगेगा। सिंपल अच्छा लगता है, आप सिंपल को ज़्यादा पसंद करती हैं, गरारे को, शरारे को, लहंगे को, बेल बॉटम को, मैक्सी अनारकली ड्रेस, क्योंकि उबटन के ड्रेसेस तो आजकल हर टाइप के बन रहे हैं और ब्राइडल वैसे ही खूबसूरत लगती है येलो ड्रेसेस में। सिंपल हो, प्यारे से ड्रेस में हो, जिस भी तरह की हो, रंग ढंग में हो, प्यारी लगती हैं, क्योंकि बेटियां बहुत खूबसूरत होती हैं, प्यारी होती हैं, और येलो ड्रेसेस में जब उनके जाने का वक्त होता है उन्हें येलो ड्रेसेस पहना दिए जाते हैं, कि उबटन की रस्म होनी है, किसी के यहाँ 5 दिन के यहाँ के से पहले पहना दिया जाता है, किसी के यहाँ 3 दिन और किसी के यहाँ 7 दिन, किसी के यहाँ 1-2 दिन पहले। तो इस तरह की जो रस्में होती हैं ये खुद ही बनाई होती हैं, जो आपको बेस्ट लगे आप वैसे ही कर सकती हैं, लेकिन जो स्पेशल डे के लिए उबटन का ड्रेस होता है वो काफ़ी हैवी भी कुछ लेडीज बनाती हैं अपनी ब्राइडल्स के लिए, कि जब वो रस्म का टाइम हो तो उस वक्त उसको पहनाया जाए, क्योंकि रूटीन वाइज तो सिंपल सा ड्रेसेस ही पहने जाते हैं येलो टाइप के, चाहे आप कॉटन के बनाए, लीलन के, शिफॉन के, किसी भी टाइप के बना लें, लेकिन जब रस्म का, कुछ बच्चियों के ऐसे ड्रेसेस भी होते हैं जो रस्म के टाइम स्पेशली वो तैयार करवाती हैं उस वक्त पहनती है, तो उसके आइडियाज भी आप जरूर देखिएगा, जिसमें हैवी एम्ब्रॉयडरी भी हो सकती है, थोड़ी नॉर्मल भी हो सकती है या सिंपल भी हो सकता है। हर बच्ची की च्वाइस अलग अलग होती है, कोई हैवी पसंद करती है, कोई नॉर्मल पसंद करती है, और कोई कलर कॉम्बिनेशन के साथ, कोई सिंपल सा सूट, तो बच्चियों की चॉइस भी अलग अलग होती है। कुछ अपने पेरेंट्स, अपनी कजन, सिस्टर्स और फ्रेंड की मदद लेती हैं, उनकी चॉइस के मुताबिक बना लेती हैं, कोई अपनी मर्जी चलाती हैं कि नहीं मुझे तो यही बनाना है, यही पहनना है, हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, और सबकी पसंद को मद्देनजर रखना चाहिए। येलो ड्रेस हो या ब्राइडल का ड्रेस हो, मशवरे के साथ बनाएं ताकि आप खूबसूरत लगें, जब आपकी रस्म हो तो आप पर कोई तनकीदबाजी ना करे कि वाकई ब्राइडल जबरदस्त लग रही है। तो हमेशा इस तरह के स्पेशल डे के लिए स्पेशल जो ड्रेस होती हैं उनको मशवरे के मुताबिक बनाया करें, स्पेशली मदर से, सिस्टर से, कज़न और अच्छी जो आपकी दोस्त हों जो आपको मशवरा देती हों कि आप पर ये डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो ज़रूर बनाइए। और साथ साथ आप मेकअप, ज्वेलरी, हेयर स्टाइल के आइडियाज़ भी ज़रूर देखिएगा, मेरे इसी चैनल में ब्राइडल्स के बेशुमार वीडियोज़ मौजूद हैं, जिनमें आप कलर कॉम्बिनेशन के साथ साथ आप मेकअप के आइडियाज़ देखिएगा, हेयर स्टाइल, ज्वेलरी, हैंडबैग, सैंडल्स, दुपट्टा स्टाइल, फोटो सेशन के पोज, आप क्या कुछ नहीं देख सकती इसी चैनल में, सब कुछ देख सकती हैं। ज़रूर ट्राई कीजिए, चैनल का विजिट कीजिए, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और खुशी मकबूल को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। जब भी जिस बच्ची की भी शादी हो येलो ड्रेस बनाए तो प्लीज़ खुशी मकबूल को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए कि आज उन्होंने खुशी मकबूल की फरमाइश
ख्वाहिश पर, उनकी रिक्वेस्ट पर ये ड्रेस बनवाया है। उन्होंने अपनी मर्जी से बनाया होगा यकीनन, लेकिन आइडियाज़ मेरा होगा। तो मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा इस नीयत के साथ कि आपका और सबका अल्लाह पाक भला करे, हम सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे और हम सबको सेहत वाली नमाज रोज़े वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। अल्लाह पाक से जब भी दुआ मांगे, सबके लिए मांगे, पूरी दुनिया के लिए मांगे, और जब भी मांगे आमीन ज़रूर कहें, ठीक है। ऐ अल्लाह, ऐ परवरदिगार, ऐ सारी कायनात के मालिक, ऐ मेरे प्यारे प्यारे रब, पूरी दुनिया को और हम सबको हर तकलीफ, हर परेशानी, हर गम, हर दुख, हर बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए बचा ले, आमीन। ऐ अल्लाह पाक, हमारी जितनी भी जायज़ हाजात हैं, जो जो हमारे हक में बेहतर हैं, और जिन जिन दुआओं में हमारी सबकी भलाई है, वो सारी दुआएँ हम सब की, सुनने वालों की, कहने वालों की कबूल फरमा।